स्टूडेंट्स, क्लास टू, लेसन नंबर 7, विनी द वैक्सीन। ये स्टोरी है विनी की, जो कि एक वैक्सीन होती है। आपको पता है वैक्सीन क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज़ अ वैक्सीन? विनी द वैक्सीन, विनी तो नाम है। वैक्सीन होती है एक दवाई जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है थ्रू आ एन इंजेक्शन। हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए जो दवाई हमें इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है वो कहलाती है वैक्सीन। अच्छा, हमें वैक्सीन लेने से फ़ायदा तो बहुत होता है, लेकिन बच्चे जो हैं वैक्सीन लेने से डरते हैं। तो ऐसी ही कहानी है जिसमें एक बच्चा है वो वैक्सीनेशन से डर रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ हमारी बॉडी में डिसीज़ अगर किल नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में, हम स्ट्रांग हेल्दी कैसे होंगे? तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है, ये डिस्कस कर लेंगे। वैक्सीन प्रोटेक्ट आवर हेल्थ, वैक्सीनेशन हमारे स्वास्थ्य को बचाता है। फूड एंड एक्सरसाइज कीप अस हेल्दी, क्या आप फूड अच्छा सा खाते हो, क्या आप एक्सरसाइज करते हो हेल्दी रहने के लिए? रीड द क्लूज एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर्स, इन क्लूज यानी कि इन हिंट्स को पढ़ो और जो सही ऑप्शन है उसे टिक करो। इट इज़ अ फ्रूट, वी मेक सूप फ्रॉम इट, ये एक फ्रूट है, इससे हम सूप बनाते हैं। किसे बनाते हो? टोमैटो, राइट डाउन TOMATO, टोमैटो। वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल्स से मिलता है। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, यू शुड हैव इट एवरी डे, क्या लेते हो आप? और एनिमल्स से मिलता है मिल्क। इट इज़ अ वेजिटेबल, रैबिट्स लव इट, कौन से वेजिटेबल को रैबिट्स लव करते हैं? कैरेट, CARROT, कैरेट। आगे बढ़ेंगे। डूइंग दिस कीप्स अस फिट, ये करने से हम फिट रहते हैं। और ये 21 जून को मनाया जाता है। वॉट इज़ दैट? इंटरनेशनल योगा डे। और हम क्या करने से फिट रहते हैं? ये दीदी क्या कर रही हैं? योगा। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। इट वॉज वैक्सीनेशन वीक, इसको ना हिंदी में टीकाकरण कहते हैं, तो वैक्सीनेशन वाला हफ्ता है। एवरी वन इन जोज क्लास हैड टेकन द वैक्सीन, जो कि क्लास में सब एज सेम एज ग्रुप के बच्चे होंगे तो उन सबको वैक्सीन लग चुकी है, उन सबको इंजेक्शन लग चुका है। आज बारी है जो की। आई कहते हैं मम्मी को, मदर को। मदर हैड ब्रॉट जो टू द क्लिनिक, मम्मी डॉक्टर के क्लिनिक पे जो को लेके गई है। जो फेल्ट लिटिल स्केयर्ड, जो थोड़ा डरा हुआ, स्केयर्ड माने अफ्रेड, डरा हुआ। ही वॉज गोइंग टू गेट हिज वैक्सीन, क्योंकि उसे अब वैक्सीन लगने वाली है, इंजेक्शन लगने वाला है। ही विश्ड ही हैड नॉट कम टू द क्लिनिक, उसको ऐसा लग रहा है कि काश वो ना आया होता क्लिनिक। आई यानी कि मदर पुट हर आर्म अराउंड हर, इट वॉन्ट हर्ट यू, मम्मी ने जो को हग कर लिया। मम्मी ने कहा बेटा ज़्यादा दर्द नहीं होगा। जो फेल्ट बेटर, जो को थोड़ा ठीक लगा जब मम्मी ने उसे कडल करा। जो लुक्ड अराउंड द वेटिंग रूम, उसने वेटिंग रूम में देखा काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं लाइन से और एक एक करके कंपाउंडर उन्हें अंदर भेज रहा है। तो वहाँ पे उसने देखा, क्या देखा उसने? सम शीट्स ऑफ पेपर वर लाइंग ऑन द टेबल, एक टेबल पे काफ़ी सारे पेजेस पड़े हुए थे। जो ने पेज उठाया और उस पर ड्राइंग बनाई, एक सुई की और एक बना दी लिटिल सी बॉटल की जिसमें वैक्सीन भरी हुई है, और उनकी स्माइली फेसेस बना दिए कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो, ये ना जो ने बनाए थे पेपर पे। जो लुक्ड क्लोजर, जो उन्हें पास से देखा, टाइम पास कर रहा है ना, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके चांस नहीं आया। दे स्माइल्ड एट हिम, उसने नीडल और बॉटल को देखा और मुस्कुराया, और वो भी उसे देख के मुस्कुराने लगे जैसे आप ये देख रहे हो। ही रब्ड हिज आईज, हैड दे रियली स्माइल्ड, उसने अपनी आंखें मस ली, क्या ये मुझे देख के हंस रहे हैं, क्या ये सच में हंस रहे हैं, ये तो पेपर पे बने हुए हैं। सडनली द बॉटल एंड नीडल जम्प्ड आउट ऑफ द पेपर, और एकदम से बॉटल भी बाहर निकल के आ गई वैक्सीन की, और नीडल भी बाहर निकल के आ गई और टेबल के ऊपर बैठ गए। जो हम सीन देख रहे हैं ये सीन हो गया था। एक्चुअली आप बिलीव मत करना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ जो की इमेजिनेशन है कि बॉटल और वैक्सीन बाहर निकल के आ गई हैं और जो से बातें करने लगी हैं। आप ये मत सोचना वैक्सीन आपके घर पे आएगी, बोलेगी हाय चले एक कप कॉफ़ी बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उससे बातें करते हैं, हेलो आई एम निम्मी द नीडल, तो नीडल बोलती है हाय, हेलो मेरा नाम निम्मी है, मैं एक सुई हूँ। दिस इज़ माई फ्रेंड विनी द वैक्सीन, और ये मेरी दोस्त है विनी, जिसका जो कि एक वैक्सीन है, दवाई है, ठीक है। तो ये तो है निम्मी, ये है विन्नी, समझ गए ना, निम्मी विन्नी।
जो लुक्ड अराउंड बट नो वन एल्स सीम टू नोटिस देम, जो ने इधर उधर देखा लेकिन आसपास वाले लोग तो उन्हें ध्यान ही नहीं दे रहे, उन पर नोटिस नहीं दे रहे, यानी कि उन्हें विनी और निम्मी नहीं दिख रहे हैं. विनी द वैक्सीन सेड, विनी द वैक्सीन बोली, आई कैन सी दैट यू आर अफ्रेड ऑफ अस, मैं देख रही हूँ कि तुम हमसे डरे हुए हो. येस अ बिट, आई एम स्केयर्ड ऑफ नीडल्स, हाँ थोड़ा थोड़ा डरा हूँ, जो ने कहा, क्योंकि मैं सुइयों से डरता हूँ. ओह दैट इज़ जस्ट अ लिटिल प्रिक, अरे थोड़ा सा चुभेगा, इन रिटर्न वी विल प्रोटेक्ट यू, और चुभने के बदले में जो वैक्सीन अंदर जाएगी वो तुम्हारी बचाव करेगी, सुरक्षा करेगी, निम्मी ने बोला. यानी कि तुम्हें थोड़ी सी चुभन होगी, प्रिकिंग होगी, उसके बाद जो वैक्सीन अंदर जाएगी वो हमारी रक्षा करती है, अंदर से स्ट्रांग बनाती है. किससे रक्षा करती है, जो ने पूछा. डू यू लाइक हैविंग फीवर और कफ और एन अपसेट स्टमक, क्या, विनी बोली, विनी द वैक्सीन बोली, क्या तुम्हें पसंद है जब तुम्हें बुखार हो जाता है, कफ हो जाता है, या तुम्हारी स्टमक अपसेट हो जाती है, क्या तुम्हें ये सब पसंद आता है. जो थॉट अबाउट इट, जो ने सोचा, नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बाबा बिल्कुल नहीं, आई हैड अ सोर थ्रोट इन ऑगस्ट, और मेरा गला ना अगस्त में बहुत ख़राब हो गया था और पूरे एक हफ्ते तक ख़राब रहा. सेड जो, जो ने कहा, पूरे एक हफ्ते तक मुझे इतनी परेशानी, रिटेंशन रही. देन यू मस्ट टेक द वैक्सीन योर डॉक्टर टेल्स यू, तो तुम्हें वैक्सीन लेनी चाहिए जो तुम्हारे डॉक्टर तुम्हें बताते हैं. दे विल प्रोटेक्ट यू लाइक अ शील्ड, वो सिर्फ तुम्हारी एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगी, यानी कि गला दर्द, बुखार, जुखाम, पेट दर्द, इस सब से बचाव होगा अगर हम वैक्सीन लेंगे तो. लेकिन ये शील्ड क्या होता है, जो ने पूछा. शील्ड माने ये कवच क्या होता है. वैनी और अब विनी उसको समझाती है. जब तुम्हारी आई यानी कि तुम्हारी मम्मी मोटरसाइकिल चलाती हैं तो वो एक हेलमेट पहनती है ना, बोलो बताओ पहनती है ना, वो बोलता है हाँ पहनती तो है. जो नो डेड नाउ ही कोड अंडरस्टैंड, अब उसे समझ में आया, हाँ जैसे हेलमेट मम्मी की प्रोटेक्शन करता है ऐसे ही वैक्सीन हमारी प्रोटेक्शन करती है. निमी माइट हर्ट अ बिट, निमी से थोड़ा दर्द ज़रूर होगा, बट विनी वुड कीप हिम सेफ. निमी है नीडल, सुई से दर्द तो होता है लेकिन विनी यानी कि जो वैक्सीन सुई से अंदर जाती है वो रक्षा बहुत करती है हमारी बीमारियों से. जो कॉल्ड आउट द नर्स, इट्स योर टर्न, इतने में ही नर्स बोली, जो जो कौन है, चलिए अंदर आपकी बारी आ गई है. दैट्स मी, जो जंप टू हिज फीट एंड वॉक टू द टेबल, अरे ये तो मेरा नाम बोल रही हैं, और वो एकदम से उठा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और टेबल की तरफ चल दिया, यानी कि जहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे. कम आई, आई वॉन्ट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीज, अभी वो इतना डर रहा था, अब वो बोलता है आई, चलो मैं अपने आप की रक्षा कराना जानता हूँ बीमारियों से. आई उसका बिहेवियर देख के चौंक जाती है और बोलती है, आरंट यू अफ्रेड एनीमोर, अब तुम डरे हुए नहीं हो क्या. जो शुक हिज हेड, शुक माने अपना सिर हिलाया, एंड स्माइल्ड एट निम्मी एंड विनी, और वो जो उसके दिमाग में इमेजिनेशन चल रही थी उनको देख के, निम्मी और विनी को देख कर वो मुस्कुराया. नाओ ओनली द डिसीज विल बी अफ्रेड ऑफ मी, मैं इनसे डरा हुआ नहीं हूँ, अब तो सिर्फ बीमारियाँ मुझसे डरेंगी, जो ने कहा. तो दिस वॉज द स्टोरी, इससे हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन टाइम से कराते रहना चाहिए और नीडल से और वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए. दे आर वेरी गुड, दे प्रोटेक्ट अस लाइक अ शील्ड एंड मेक्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. बाय बाय.